तो ये क्या डरना तुम है उतर, अरे तुमको बोल रहे हम, तुम सुना करो ना। हाँ भैया हम करेंगे सब। हाँ हेलो, बाद में है, बाद में बात करते हम। हेलो कौन बैठ सर, ये मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है सर। हाँ। मैंने 3 साल का कोर्स किया और गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। लेकिन हमको सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं ना, तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं हमको जरा बोलो ना। सर मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। अरे क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए जरा बोलो तो। सर मैं जूडो कर सकती हूँ। अच्छा वेरी गुड, और क्या कर सकता है? सर कराटे कर सकती हूँ। अच्छा सर ये इसका सैंपल है सर। इसको वापस कभी नहीं लेना हमारे पिक्चर में। हाँ पहले ही बोल देता है। कैमरा लगा हुआ है, दरवाजा खोल के सनी ने एंट्री मारी, कट्टू उधर से रवीना ने एंट्री दिया, एक दूसरे को देखा। यार ये मैं सिर्फ 6 महीने से सुन रहा हूँ, कहानी कब खत्म होगी? अनुमलिक मिक्स मसाला, शाहरुख खान, दिलीप भुर्जी, मनीषा रुमाली, माधुरी तड़का, गुलशन करो घोटाला। देखो काम करो, तुम दौड़ के जाओ और उर्मिला माटोंडकर फ्रूट सैलेड लेके आओ, जाओ। लेकिन मुझे साइन कब करोगे तुम? ओह कल हम लोनावला जा रहे हैं ना, कल वहाँ जाते ही तुम्हें साइन कर लूंगा। 2 महीने से लोनावला ही तो जा रहे हैं हम। ओह डार्लिंग इस बार मेरा पक्का प्रोग्राम है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। बचना हसूनो नो मा आ गया। कैसा रे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम हो या बोल देना, बाहर गाड़ी खड़ी है। ठीक है साहब, नमस्ते अमित, गुड मॉर्निंग। बैठिए ना, बैठिए, बैठो बैठो। अब आप क्या लेंगे, क्या खाएंगे? अरे अपुन एक ही चीज खाता है, प्रोड्यूसर लोग का फेवरेट। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोड्यूसर से याद आया, आपके जीसीजीपी अंकल के साथ बात होगी क्या? बात? क्या बात? अरे डायरेक्ट एक दिन अंकल से मीटिंग करा देते हैं ना। अच्छा अच्छा, है वो धुन ट्यून व्यून सब चुराया है ना। अरे चोरियों के पूरा कैसेट बना के रखा है। हरी साहब एक मौका दे दो आप, मैं पूरे कंट्री को हिला के रख दूंगा, आई प्रॉमिस। अरे सब ऐसे कहते हैं, कोई नहीं हिलता बिलता, सब ऐसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सब कुछ हिला के रख दूंगा। अरे इतना मत हिलाओ, इतना मत हिलाओ। सॉरी सॉरी, भूकंप आ जाए। वैसे हरी साहब सब फिट तो है ना? सब फिट है, तो चले लोनावला। लोनावला तो? अरे मैंने सुना है आजकल सब पिक्चर का साइनिंग उधर ही होता है। अरे चलेंगे चलेंगे, एक बार अंकल को आ जाने दो, एक बार सब कर देंगे, साइनिंग वाइनिंग सब कर देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीजिए साहब उर्मिला माथोड़कर फ्रूट सैलेड। निकी ये ले मेरी आर्ट की ब्लाइंड। तेरी आर्ट की? तो ये ले मेरी 16 की ब्लाइंड। ए इतने पॉजेस मत खाएगा, जल्दी बोल जल्दी बोल, और जोर से बोल, सुनाई नहीं देता, चल शो कर। निकी वो देख। ए चीटा, क्या चीटर था, क्या चीटर, ये रख मेरे पत्ते, मैं जीत गई और मुझे कुछ नहीं पता, मैं जीत गई, चीटर तो चीटर सही। सुन नेक्स्ट टाइम खेलना हो ना तो यहाँ आ जाना। स्टूपिड। ए निकी जब तू होती है तब भी बोर करती है, और जब तू नहीं होती तब भी। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं चाहूं बस इतना सा ख्वाब। अरे राखी मैं जिंदगी की बाजी जीत गया, दे ताली। मैं भी दे ताली। क्या कैसे? अरे वो मैं नहीं बता सकती, वो चीटिंग का मामला है। देखना अब मैं कैसे पूरी दुनिया में छा जाता हूँ, मेरे गाने दुकानों में, कारखानों में, मैखानों में, पाकिस्तानों में, अफगानिस्तान, मतलब सबके कानों में बजेंगे, मैं बन जाऊंगा म्यूजिक डायरेक्टर नंबर वन। दे ताली। तो तुम भौंक क्यों नहीं रहे हो? अरे तुमने ही तो कहा था कि रात को तुम्हें एक सपना आया है जिसमें एक पागल खुजली वाले कुत्ते ने तुम्हें काटा है, और तुम गाने के बजाय। चल हटा, पागल हो गई है, जा चाय बना, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर बैठ के गाना सुनेंगे। अमित। हाँ?
गरम गरम चाय। अरे चाय करो, तू इधर आके बैठ, तुझे एक गर्मा गर्म धुन सुनाता हूँ मैं। बैठ। हाँ। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, नकदी निशा में ते जाता निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे यार डॉली क्यों मेरे ट्यून की क्या कंपोजिशन बनाई है तुमने? ए राखी इसको समझा ना, मेरे चढ़ते करियर को पहले से उतारने की कोशिश कर रही है यार ये। मैं तो माचिस लेने आई थी। क्यों, मेरे अरमानों को आग लगाने के लिए? समझता नहीं है, जब तुम्हारे फेमस गाने फिलिप्स टॉप 10 पे बजेंगे ना, तो डॉली जैसी ऑर्डिनरी आम जनता ही उसे फेमस करेगी। थैंक यू। ए चल अभी इसको भूल जा, और एक गाना सुना था उससे भी गर्मा गर्म है। अब बीच कंपोज किया ला मैंने। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गड्डी। अमित, मुझे तेरे गाने में से गैस की स्मेल आ रही है। गैस की स्मेल? हाँ हो सकता है, हो सकता है ये गाना मैंने किचन में कंपोज किया था ना इसलिए। मैं अपना गैस खुला छोड़ आई हूँ, मेरा लाइटर बिगड़ गया था इसलिए मैं माचिस लेने आई थी। ए, तेरा वो खंडा घर पे है क्या? हाँ? ये ले माचिस पकड़, बाहर से तिली जला देना और अंदर देख देना, ना खंडा बचेगा ना गैस। अरे नगरी रे, तू कभी भी अपने गाने इतने जोर की मत गाया कर। क्यों? उन चोरी होने का डर है। ये जो तूने गाना अभी कंपोज किया था ना, वो तो बहुत पहले से चोरी हो चुका है। बहुत पहले से? हाँ। चल धीरे से सुनाता हूँ। सबके सब झूठे बेईमान। झूठे बेईमान? लेकिन कौन? सबके सब। ये निकी, तेरे को क्या हो गया यार? तू किधर से आ रही है? जहाँ झूठे और बेईमान लोग मिलते हैं ना, वहाँ से। मुझे पता है, ये ग्लैमर रेस्टोरेंट से आ रही है ना? और नहीं तो क्या? हमें तुम्हारा सपना कब पूरा होगा? ए हाँ छोड़ यार, देख मेरा सपना तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब मैं तुम दोनों की दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ, बस यूँ समझ ले कि जेट एयरवेज की नेक्स्ट फ्लाइट पे मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर 1 है। वाह अमित, तू ये पूरा घर हमारे लिए छोड़ के जा रहा है? शट अप, ये पिराए घर मेरे लिए छोड़ के जा रहा है? देखो जब तक मेरा मलावा रेल का बंगला तैयार नहीं हो जाता ना, मुझे मजबूरन तुम दोनों के साथ रहना पड़ेगा। एक छत के नीचे हम तीन रहेंगे जरूर, लेकिन दो डिफरेंट क्लासेस में। एक रोहित handsome, successful, not so rich, not so good looking and very generous. क्या कह रहा है? चल बता बता इसको चल। हाँ बताती हूँ, तुझे पता नहीं हमारे अम्टी को ना एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म में म्यूजिक देने के लिए साइन कर लिया है। अमित ये सच कह रही है? थोड़ा सच कह रही है। वो क्या है कि उसने साइन करवाया नहीं अभी तक, लेकिन बहुत ही जल्द करवाने वाला है। अमित अमित अपने सक्सेस का राज बता दे। हटा सावन की घटा, अरे अपने सक्सेस का राज कोई बताता है क्या? लेकिन as because you are my old friend, I will tell you. देख, हर प्रोड्यूसर के लेफ्ट पे और राइट पे एक भांजा और एक भतीजा जरूर होता है, इसलिए अगर तू उस प्रोड्यूसर के दिल में घर बनाना चाहती है ना, तो इस लेफ्ट और राइट को इंप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। नहीं हाँ, नहीं तू भी किसी प्रोड्यूसर के भांजे को इंप्रेस कर ही डाल। ए नहीं मतलब क्या, तेरे को हीरोइन बनने का कि नहीं? हाँ। बनने का है ना, जरा आईने में अपनी शक्ल देख के आ, एकदम फटी सी शक्ल हो गई है यार। ये भगवान ने जो तुझे एवरेज सा चेहरा दिया है, और ये काम चलाओ बॉडी दिया ना, उस पे थोड़ा मेकअप लगा मेरी माँ। और इस जमाने में कोई हीरोइन इतने सारे कपड़े पहनती है क्या? अरे समझा ना इसको यार। हाँ निकी, तुझे ना छोटे छोटे कपड़े पहनने चाहिए, छोटे छोटे। सुन, तू छोटे कपड़े पहनेगी, प्रोड्यूसर के पैसे बचेंगे, प्रोड्यूसर के पैसे बचेंगे, वो तुझे दूसरी फिल्म में साइन करेगा और भी छोटे कपड़ों के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जब वो प्रोड्यूसर का भांजा तेरे सामने आएगा ना, उसे अपने पास खींच लेना, पास खींच के तो उसके साथ डांस करना, उसके साथ मीठी मीठी बातें करना, उसे चक्कर खिलाना और फिर उसे खींच लेना, और एंड में है ना उसको जप्पी ले लेना, उसे पप्पी देना। क्या हुआ यार? तूने भी अपने प्रोड्यूसर के भतीजे की पप्पी ली थी क्या? अरे यार तू मुझे उस लाइफ का लड़का समझती है क्या? मैं तो टैलेंटेड हूँ। यस डाली, आज तेरे को और एक गुण सुनाता हूँ। तेरी टैलेंटेड है, टैलेंटेड है। अच्छा टॉकिंग, अच्छा हाँ। ए सुन, मैं अमित को ये बात सुनाती हूँ, ओके? मैं तेरे को बाद में फोन करूंगी। बाय बाय बाय। अमित दिखता नहीं है क्या? नहीं धुन कंपोज करो, चुप रह, डिस्टर्ब मत करो मेरे को। ए तुझे कोई धुन कंपोज करने आती है क्या? ए डफर,
अरे धुन कंपोज करने में क्या रखा है, कोई पुराना हिट सॉन्ग चोरी करने का, उसके धुन को थोड़ा चेंज कर डालने का, अपनी नई धुन तैयार। अरे मेरा गुरु है ना, क्या नाम उसका, पन्नू मल्लिक, हाँ। वो भी ऐसे ही करता है, उसकी धुन सुनाओ तेरे को। हे माकरीना, हे माकरीना, हे माकरीना, कैसा लगा अमित? तू बहुत सारी धुने चोरी करेगा। अरे बहुत सारी, बहुत सारी। सुन, मैंने तेरे लिए एक फैंटास्टिक स्क्रीन नेम रखा है। ऐसा क्या? क्या? चोर कपूर। शट अप बेवकूफ, जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके। यू शट अप बेवकूफ, मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ, जा एक बार जाओ चाय लेने, ओके? और अभी तक तू कोई सक्सेसफुल नहीं बना, समझा ना? क्यों गुस्सा होती है यार, अपन लोग तो दोस्त है, दे ताली। चाय मिला ना? हाँ। अमित। हाँ। अमित, मैं सच्ची बहुत भैंजी लगती हूँ एकदम। अमित, तूने मुझे कहा था ना कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूं, अपने आप को थोड़ा चेंज करूं, अगर ये सब मैं करूंगी तो बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगी। अरे 110% मैं तेरे को मनी बैक गारंटी देता हूं, लेकिन उससे पहले तेरे इस चोकटे को जरा रिपेयर करना पड़ेगा। ए राखी, जरा इसके मेकअप का सामान ला ना। अभी नहीं, तेरे को एकदम चेंज कर डालता हूं, मेटामॉर्फोसिस ला। अरे बाल खोलना। हां प्लीज यार, एकदम पेंडू लग रही है। मैं अभी आई। हां जल्दी आना, देख तेरा बाल को हटा। ये ठीक है? हां पहले तो लगाएंगे तुझे ब्लश ऑन, हाँ? उसके बाद ये जो तेरा नोज है ना, थोड़ा सा मोटा है, डोंट फील बैड, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ? मेरा नाक काटेगा? अरे नाक तो तू ऐसे भी कटवा के। ये देखो, ये क्या है? मैं चोपड़ा के 10 साल की बेटी का छोटा सा ड्रेस लाई हूँ। इतना छोटा ड्रेस? अरे इतना छोटा, मैं तो कहता हूँ इससे भी छोटा पहनना चाहिए। ये उसकी 8 साल की कोई बेटी नहीं है क्या? चल इसका प्रॉब्लम सॉल्व, तेरे को मैं नहीं धुन सुनाता हूँ। टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12? मेरी ये धुन भी चोरी हो गई। सी टू टेन, फाइव टू फाइव, ये कमाल है। हाय गाइस। हाय निकी। हाय निकी, तू कहाँ से आ रही है? कांट यू सी ग्लैमर रेस्टोरेंट? निकी, तेरे को है ना उस ग्लैमर रेस्टोरेंट में ज्यादा जाना चाहिए। झूठे बेईमान। क्या मतलब? तूने तो कहा था ग्लैमर रेस्टोरेंट में झूठे बेईमान लोग मिलते हैं। Don't be funny. क्या बात है यार, आज तो एकदम परसीज बम्बाटा लग रही है। Why not? अमित, हाँ? तुम्हें पता है मैं किससे मिलकर आ रही हूँ? किससे? पीके से। वो किसका भतीजा है? वो भतीजा नहीं स्टूपिड, वो खुद प्रोड्यूसर है, और तुम्हें पता है मैं उसकी अगली फिल्म रंगीला 2 की हीरोइन हूं। रंगीला 2? इसलिए निकी तूने इतने छोटे-छोटे कपड़े पहने? Don't be funny राखी। अमित थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तुमने जैसे कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने जाते ही पीके को जफ्फी पा ली और उसे पप्पी दे दी। ऐसा क्या? एक बार और दिखाना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। चल हाथ। पता है मेरा काम बन गया, हम 4 बजे ग्लैमर रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं। मैं तो घर सिर्फ कपड़े लेने आई थी। कपड़े? हाँ राखी, 2 ड्रेसेस और 1 नाइटी। फोटो सेशन है? Don't be ridiculous। हम वहाँ से सीधा लोनावला जा रहे हैं। लोनावला? हाँ, फिल्म जो साइन करनी है। What? ओ राखी, don't be jealous। तुम भी एक दिन सक्सेसफुल होगी, लेकिन इतना याद रखना, शुरुआत पप्पी से होनी चाहिए। आंटी, 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 तुझे नहीं लगता कि निकी कुछ बदल सी गई है? हाँ लगता तो है, लेकिन राखी क्या है, सक्सेस के बाद लोग बदल जाते हैं। अच्छा सेम। बाय गाइस। बाय। बाय। अमित। हाँ। मैं तुम्हारा पेन लेती जा रही हूँ। हाँ ले जाओ। पहली फिल्म तुम्हारे ही पेन से साइन करूंगी। बाय राखी, टेक केयर। टेक टेक। राखी, निकी को इतना ज्यादा बढ़ावा देके हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? हमने नहीं, सिर्फ तूने। तुझे ना ग्लैमर रेस्टोरेंट का वेटर आना चाहिए था। वेटर
वेटर, लेकिन क्यों? क्योंकि तू बहुत झूठा, बेईमान और मक्कार आदमी है। इतने सारे क्वालिफिकेशन के साथ मुझे वहाँ का मालिक होना चाहिए। मुझे ज्यादा सिखा मत। किसने उसको सिखाया था? बॉडी लैंग्वेज और फिर जपी और एंड में पपी। अब जा रही है वो लोनावला। ए राखी, नहीं नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। वो क्या आजकल की पिक्चर की साइनिंग ना लोनावला में होती है। नो, डोंट ट्राई टू टीच मी। लोनावला में सिर्फ चिक्की बनती है। अब मुझे पता है निक्की की चिक्की बन जाने वाली है। मुझे तो ये डर लगता है जब वो वापस आएगी वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। खबरदार, अगर उस बीके के बच्चे ने मेरी निक्की का मुंह के साथ जरा भी खिलवाड़ किया ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। हां छोड़, हम थी छोड़। चल हम लोग ग्लैमर रेस्टोरेंट जाते हैं निक्की को बचाने। हां गुड आईडिया, चल चल चल। अरे चल, मैं जाके ना अपनी नाइटी लेके आती हूं। नाइटी? अगर वहां से हमें लोनावला जाना पड़ा तो? लोनावला? हाय पीके। हाय निक्की, प्लीज डोंट कॉल मी पीके, इट साउंड्स वेरी पिकुलियर, बट फुल में लगता है। तो मुझे सिर्फ पद्मिनी कहा करो। सॉरी। हाय पद्मिनी। हाय निक्की, तुम्हारा ये वेस्टर्न फिट्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगते। दरअसल तुम्हारी वो ट्रेडिशनल इंडियन फोटोग्राफ्स देखने के बाद ही मैंने तुम्हें इस रोल के लिए चूज किया था। एंड वन मोर थिंग, वो तुम्हारा वो चीप एक्शन वो और वो किसिंग वगैरह, आई जस्ट डोंट लाइक इट। हमारी यूनिट में ये सब नहीं चलता, प्लीज। डोंट वरी बेबी, मेरी फिल्म में मैं तुम्हें ले रही हूँ। थैंक यू। ये गजन अभी तक नहीं आया? गजन? यस, ही इज माय नेफ्यू। तुम तो उससे मिल चुके हो ना? हाँ हाँ, या जस्ट मामी, मैं जरा उसे फोन करके आती हूँ। ओके, जस्ट जस्ट राम। हाय निक्की। हाय गजन। सॉरी निक्की, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। दरअसल हुआ है कि मुझे रास्ते में आप मिल गए, और जब मैंने इनको बताया कि मैं निक्की के पास जा रहा हूँ तो बोले अरे वाह, मुझे भी उससे मिला दो। मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, चलो एक से भले दो। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू, आप हैं निक्की और आप मशहूर प्रोड्यूसर जेसी सिप्पी। नाइस टू मीट यू सर। मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, मैं भी एक फिल्म स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है, आपने उसमें मेरे फ्रेंड अमित को साइन किया है एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। उससे मेरी मुलाकात हुई, मेरे भतीजे से। आई सी, आप बैठिए ना प्लीज। निकी, अरे पद्मिनी जी कहाँ गई है? वो तुम्हें ही फोन करने गई है। अच्छा हाँ, तो मैं उन्हें फोन करके आता हूँ। बाय। तुम मेरी बेटी जैसी। थैंक यू। देखा अमित, ये तो लोनावला जाने से पहले ही शुरू हो गया। अरे इसे तो मैं मजा चखाता हूँ, लोनावला से भी ऊपर पहुँचा दूंगा। चल, जितनी खूबसूरत तुम्हारी शक्ल है उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल। अच्छा बुढ़े, और जितनी गंदी तेरी बातें हैं उससे कहीं गंदा तेरा दिमाग है बुढ़ा। खूबसूरत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू शट अप। और जितना गंदा तेरा दिमाग है उससे भी कहीं गंदी तेरी शक्ल है, यू स्टूपिड इडियट फूल रॉकी। और तू तू हमारी निक्की को लेके लोनावला जाना चाहता था चिक्की खाने? तुझे तो चिक्की मैं इधर ही खिलाता हूँ, ये ले पूरा केक ही खा ले बुढ़े। लंबा रास्ता है, ले गरम गरम चाय भी लेते जा। ले ले ले। अबे पीके, मैं नहीं पीके तो ये है। ये पीके नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये पीके है। ये पीके है? हाँ। ये कौन है? ये मशहूर प्रोड्यूसर जीसी सिप्पी है। स्टॉप इट। पता है हरी की अंकित? हाँ हाँ अंकित, तेरी तो निकल पड़ी। अंकित मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मेरी गलती नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्लीज। तुम लोग ये सब करते रहे थे? हाँ, वो क्या है ना कि आंटी, डोंट कॉल मी आंटी। वो क्या है ना कि घंटी, मेरा मतलब है पीके जी, मुझे लगा वो बुढ़ा खुशक। He's my cousin. Oh, sorry again. वो हैंडसम बुड्ढा हमारी निक्की को लोनावला ले जाकर उसके साथ कुछ अच्छी अच्छी चीजें करने वाला था। ये हो रहा? हाँ ये हो रहा था। और अब कुछ भी नहीं होगा। अब है मेरे को तेरी वजह से मेरा करियर चढ़ने से पहले ही डूब गया। मैं ताली। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी।
मैं उन्हें समझा लूंगी. यू नो ही इज माय कजिन. यू आर सो स्वीट आंटी. क्यों कॉल मी आंटी. वैसे तुम वही म्यूजिक डायरेक्टर अमित हो ना. यस यस दैट्स करेक्ट. मैं सोच रही हूँ तुम्हें अपने नई फिल्म के लिए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर साइन करना. तो चले लोनावला. क्या